हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन. इट्स मी रोजी मैम हियर विद अवर टुडेज लेक्चर. सो स्टूडेंट्स, इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन. सो इन अवर टुडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन. सो योर क्वेश्चन दैट फॉर्मड इज वॉट इज हेल्थ एजुकेशन एंड वट आर इट्स ऑब्जेक्टिव. द प्रोसेस दैट स्प्रेड हेल्थ नॉलेज, हैबिट्स एंड एटीट्यूड बिहेवियर दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू हेल्थ इज टर्म एज हेल्थ एजुकेशन और इंस्ट्रक्शन. ये क्या है, हेल्थ एजुकेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम नॉलेज को स्प्रेड करते हैं. नॉलेज किसकी, हमारी हैबिट, एटीट्यूड, बिहेवियर, जो क्या करते हैं, हम कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी हेल्थ को, उसे क्या कहा जाता है, उनको टर्म किया जाता है हेल्थ एजुकेशन के साथ, या उसको इंस्ट्रक्शन भी हम कह सकते हैं. अकॉर्डिंग टू वोल्टमर एंड एस्लिंगर, अकॉर्डिंग टू वोल्टमर एंड एस्लिंगर के हिसाब से अगर देखें तो उन्होंने क्या कहा था कि हेल्थ एजुकेशन क्या है, द एफर्ट्स टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ डिज़ायरेबल हेल्थ प्रैक्टिस. ये वो एफर्ट्स हैं जो प्रमोट करते हैं हम कि हम क्या करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ की नॉलेज हो और हमारी जो ऑब्जर्वेंस है वो क्या रहे, हमारी हेल्थ प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली डिज़ायरेबल रहे. आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी WHO ने क्या कहा था, इट इज़ द एजुकेशन. ये क्या है, वो एजुकेशन है जिसका कंसर्न किसके साथ है, विद द चेंजेज इन नॉलेज, फीलिंग एंड बिहेवियर. इस एजुकेशन का कंसर्न किसके साथ है, हमारी नॉलेज के साथ, हमारी फीलिंग्स के साथ और बिहेवियर के साथ, जो क्या होता है लोगों में कब आता है, पीपल्स टू ब्रिंग अबाउट द बेस्ट पॉसिबल, जिससे क्या होता है, पीपल क्या करते हैं, अपनी बेस्ट पॉसिबल स्टेट ऑफ वेलबींग को बनाते हैं. द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन आर एज फॉलो. वेरियस ऑब्जेक्टिव हैं हेल्थ एजुकेशन के, जिनको हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन. मेन आपके तीन ऑब्जेक्टिव हैं, दैट इज़ इन्फॉर्म, मोटिव एंड गाइड. फर्स्टली भी डिस्कस करेंगे हम इन्फॉर्म. इन्फॉर्म होता है किसी को इन्फॉर्म करना, यानी कि इन्फॉर्मेशन देना किसी को. दिस ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व स्प्रेडिंग द नॉलेज ऑफ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स. सच स्टेप्स विल मेक पीपल अवेयर ऑफ हेल्थ नीड एंड प्रॉब्लम. ये वो ऑब्जेक्टिव है जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, जिसमें हम अपनी नॉलेज जो होती है हेल्थ के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड जो हमारे मैटर्स होते हैं, नॉलेज होती है और कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम लोगों को बताते हैं और उनको अवेयर कराते हैं, यानी कि हम वो स्टेप्स को स्प्रेड करते हैं और लोगों को अवेयर कराते हैं किसके लिए, हमारी हेल्थ की नीड्स और प्रॉब्लम्स के लिए. द स्प्रेड ऑफ साइंटिफिक नॉलेज रिगार्डिंग द काज ऑफ डिजीज एंड वेज ऑफ रिमेंडिंग प्रिवेंटिंग इट हैव हेल्प अ लॉट इन प्रिजर्विंग हेल्थ. अगर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज होगी किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ या किसी भी पर्टिकुलर हेल्थ के रिगार्डिंग, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा प्रिवेंशन होगी किसी भी दैट पर्टिकुलर डिजीज़ की, और इससे क्या होगा, इसके साथ साथ हमारी जो हेल्थ है वो प्रिजर्व होगी. द इन्फॉर्मेशन और नॉलेज कैन हेल्प अ लॉट इन रिमूविंग द इग्नोरेंस, प्रेजुडिस एंड मिसकंसेप्शन अबाउट डिजीज एंड हेल्थ. तो अगर हमें, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म होगी, यानी इन्फॉर्मेशन होगी, तो ये क्या करेगी, हमें हेल्प करेगी कि हम क्या कर सकें, जो अनवांटेड इविल्स हैं उनको इग्नोर कर सके, मिसकंसेप्शन है किसी भी डिजीज़ के रिगार्डिंग उनको, उसको क्या कर सके, इग्नोर कर सके. देन योर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज मोटिव. मोटिव यानी कि हमारा क्या मोटिव है, अपार्ट फ्रॉम स्प्रेडिंग नॉलेज, नॉलेज को स्प्रेड करने के साथ साथ क्या होना चाहिए, रिगार्डिंग हेल्थ मैटर इट्स इज मोर इम्पॉर्टेंट टू मोटिवेट पीपल टू एक्ट एंड चेंज टू एक्ट ऑन चेंज देयर हैबिट्स, वे ऑफ लिविंग एंड बिहेवियर. इसके साथ साथ क्या करना है, लोगों को इन्फॉर्म करने के साथ साथ हमें क्या करना है, मोटिव करना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स को मोटिवेट करना है कि वो क्या कर सके, कि हमारी हेल्थ क्या है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छी अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट करना चाहिए, अपनी हैबिट्स को चेंज करना चाहिए. इससे क्या होगा, हमारी जो लिविंग हो भी वो भी परफेक्ट होगी और हमारा जो बिहेवियर है वो भी परफेक्ट बनेगा. हेल्थ एजुकेशन शुड प्रोवाइड सच इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस दैट कैन मोटिवेट पीपल टू चेंज देयर बैड हैबिट्स एंड एटीट्यूड. हेल्थ एजुकेशन क्या करेगी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी, जिससे क्या होगा, पीपल जो हैं वो मोटिवेट होंगे कि वो क्या करें, अपनी जो बैड हैबिट्स हैं उनको चेंज करें और अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकें. तो इस तरह से अगर हम ज़्यादा, हमें अगर हम किसी को मोटिवेट तभी कर पाएंगे जब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ की नॉलेज होगी और हमारे पास हेल्थ एजुकेशन की ज़्यादा नॉलेज रहेगी. देन योर लास्ट एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ गाइड, यानी कि किसी को गाइड करना, किसी को बताना कि उसको किस तरह से क्या करना. हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स
should guide and encourage people to utilize wisely the health services available. तो health education के जो programs रहते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को aware करवाते हैं, guide करते हैं और encourage करते हैं कि वो क्या करें, हमारी जो health services जो हमें available होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा adopt करें और wise तरीके से क्या करें, utilize कर सकें. Students, ये था आपका आज का lecture जिसमें हमने discuss किया टॉपिक दैट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में नया नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे.